आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। दोस्तों मेरे पास अभी एक रिक्वेस्ट आई थी, मैं अभी जब मैंने कुछ पैच डाले थे एम स्टूडियो पैड के कि सर इसमें रिकॉर्ड कैसे होता है, तो दोस्तों बहुत सिंपल सा तरीका है इसमें रिकॉर्ड का, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक पैच है, तो दोस्तों अगर आपको इसको रिकॉर्ड करना है तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से ये पैच हमारा रिकॉर्ड हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल सिंपल सी तरकीब। देखिए सिंपल है, आप अपने पैटर्न पे रहिए। मान लीजिए मैंने जैसे ढोलक दुगन किट का ये नाम दे रखा है, यहाँ आप एक बार सॉन्ग पे क्लिक करिए, दोबारा सॉन्ग पे आप क्लिक करिए तो यूज़र्स आ जाएंगे कुछ। तो यहाँ पर आपको जिस पे भी मान लीजिए इसको रिकॉर्ड करना है, मान लीजिए मेरे पास ये 10 नंबर किट खाली है, 8 नंबर भी किट खाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर किट हमारे पास ये है, तो इस पे हमें रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल सा है, पहले हम यहाँ पे उस किट को लगा लेंगे जिसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो 1, 0 और 3 पे मेरे पास मेरी दुगन किट है, तो अब इसको हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जब एक बार ये दबाएंगे तो यहाँ देखिए आ गया है हमारे पास कि 9 फाइल आ गया है 8 नंबर पे, देखिए है ना, और हमारी किट यही लगी हुई है। अगर इस किट की भी आपको एडिटिंग चाहिए तो बहुत जल्दी वो मैं डाल दूंगा, देखिए कितनी प्यारी है। तो दोस्तों आइए अब इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ से आप रिकॉर्ड बस कुछ नहीं करना, आपको दो बार सॉन्ग प्रेस करके जो भी फाइल आपकी खाली हो यहाँ पे, वहाँ आप जाके उसको 9 फाइल लिखा होगा उसके ऊपर आप एक बार क्लिक करिए, ये रिकॉर्ड बटन आपको दिख रहा है इस पर, यहाँ आपने क्लिक किया, यहाँ ये जो सिंस लिखा हुआ है ये आपका ऑन होगा। आप इसे सबसे पहले अंडू, एक बटन है यहाँ पर, इसको आप प्रेस करके ऑफ कर लीजिए। अब दोस्तों सिंपल से अगर आपको क्लिक चाहिए कि किस रिदम पे हमें इसको रिकॉर्ड करना है, तो देखिए यहाँ पे क्लिक भी चालू हो चुकी है, क्लिक दबाते ही टेम्पो वहाँ पे 120 थी, तो अब मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4 तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। अब हम रिकॉर्ड को बंद कर देते हैं, सिंपल सा हो गया हमारा। 8 नंबर पे अभी 9 लिस्ट आ रहा था, अब यूज़र लिख के आया, आइए चेक करते हैं दोस्तों ये रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तो अब हम यहाँ रिकॉर्ड चलाना है, प्ले का बटन दबाते हैं, देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं है ना, और बहुत ही जहाँ भी आपको अब इसको लूप के लिए यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें लूप को हम किस तरीके से यूज़ करें, तो दोस्तों वो भी मैंने बना रखा है, तो अगर आपको उस पैच की एडिटिंग चाहिए या फिर वो लूप किस तरीके से हम अब यही चीज़ जो ये बज रहा है, देखिए जो रिकॉर्ड किया है दोस्तों, इसे हम लोग एक क्लिक पे किसी भी कॉलम पे यहाँ सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आपने रिकॉर्ड की मांगी, मैंने रिकॉर्ड करके दिखा दिया, आप जब भी दोबारा से सॉन्ग पे जाएंगे इसको आपको रिकॉर्ड करना है। हम एक बार एग्जिट हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ सिंपल सा है ना, एग्जिट हो गए, यहाँ हमने दोबारा से सॉन्ग दबाया दोबारा से, तो 8 नंबर आ रहा है यहाँ पर, मैंने पहले से भी कुछ रिकॉर्ड किया होगा, देख लेते हैं। देखिए ये रिकॉर्ड हो रखा है ना, यहाँ से अब हम 7 पे जाएंगे, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ मैंने चेक किया होगा शायद वो है, 8 पे तो हमारा वाला ही है, तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ मैंने एक जगह और किया हुआ था तो वो मैं दिखा देता हूँ, 4 नंबर पे, यहाँ 5 पे, थोड़ा फास्ट में मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ यूजर किट बन चुकी है रिकॉर्डिंग की। अब इसको लूप में भी मैंने एक गाना अभी बनाया था,
बालों के पीछे चोटी एक गाना है, आप जाके फटाफट से उस वीडियो को देखिए। वहाँ मैंने 20 में परकेशन बजाए और यहाँ पे स्किट को मैंने बजाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको रिकॉर्ड करना सिंपल से समझ आया हो, तो आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे दोबारा कमेंट करेंगे, दोस्तों दोबारा बता दूंगा। सिंपल सा है, देखिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ वो किट सेट कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ किट पे गए, किट सेट कर लिया हमने 103, ठीक है। अब हम एक बार सॉन्ग को दबा देंगे। मान लीजिए यहाँ तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ जो फाइल खाली हो वहाँ पे आप नो फाइल कर दीजिए। सॉन्ग दबाने के बाद यहाँ आप रिकॉर्ड बटन को ऑन करिए, इस तरीके से ऑन किया है ना। यहाँ पे अब हमें क्लिक सुनाई देनी चाहिए, तो जिस चीज़ पे हमें, और उसके बाद बस सीधे, तो इस तरीके से हमारा ये रिकॉर्डिंग का शुरू हो जाता है। यहाँ दूसरा पैच लगा हुआ है, तो जो भी आपने दबा दिया, मान लीजिए मैं दिखा रहा था इसलिए कि आप समझ जाएं। यहाँ हम दोबारा से इसको बंद करेंगे और जो मैंने चेक किया वो यहाँ आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।